हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन की क्लासेस में हम आ चुके हैं। और आपने मुझे कहा था सर डिजाइन थिंकिंग सब्जेक्ट का भी रिविजन करा दीजिए। इससे पहले अपन मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट हो गया अपना, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, इनोवेशन का सब्जेक्ट हो गया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और इसके सारे यूनिट्स का रिवीजन भी अपन करवा चुके हैं। अब हम आ चुके हैं डिजाइन थिंकिंग के रिवीजन के ऊपर कि डिजाइन थिंकिंग होती क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल क्या है। अच्छी बात यह है कि इसमें तीन ही यूनिट AKTU के सिलेबस में रह रखी और ये थोड़ा सा कम मार्क्स का सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन याद रखिए, ये कम मार्क्स का है लेकिन स्कोरिंग है। मैंने इसमें बच्चों को 95% तक स्कोर करते हुए आसानी से देखा है। केवल छोटे से फंडामेंटल आपको याद रखने हैं, छोटी छोटी बातें याद रखनी है और कैसा भी क्वेश्चन आएगा अपन वो डिजाइन थिंकिंग का कंप्लीट कर लेंगे। केवल आपको मेरे 3-4 वीडियो की सीरीज होने वाली है। एक अपन इसकी 3 यूनिट के रिविजन करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे कि डिजाइन थिंकिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो यदि आप MBA, BBA, BCom या UGC NET के स्टूडेंट हैं या आप CMAT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। जितना आप हमें लाइक कर रहे हैं उससे हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड हो जाती है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आपका ओवरव्यू है, फीडबैक जरूर दीजिए करें जिससे हमारी टीम और इम्प्रूव कर सके। थैंक यू। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो फर्स्ट यूनिट का आता है वो आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब यहां पर ये फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी जो घूमती है वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के आगे पीछे घूमती है। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन को कहते हैं इंट्रोड्यूस ऑफ समथिंग न्यू। क्या बोला? इंट्रोड्यूस ऑफ समथिंग न्यू, कि कुछ भी नया बना लेना इनोवेशन है। लेकिन याद रखिए, जो नया हो ये मीनिंगफुल, ये नया रखे वो मीनिंगफुल हो। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। मैं एक ऐसी डिजाइन बना देता हूं और ये वाला जो हमारा प्रोटोटाइप है ये ना तो चलता है ना कुछ काम करता है, कुछ भी काम का नहीं है। एक ऐसी मशीन बनाई जो चलती भी नहीं है, केवल हमने नया स्ट्रक्चर बना दिया, 7D 3D 8D का कुछ नया स्ट्रक्चर बना दिया और लूप बना दिया, नया तो बन गया। तो क्या सर वो इनोवेशन है? नहीं, वो इनोवेशन नहीं है। तो इनोवेशन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इनोवेशन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो चीज आपने बनाई हो वो मीनिंगफुल हो। क्या हो? मीनिंगफुल हो। यदि वो मीनिंगफुल नहीं होगी तो वो इनोवेशन की कैटेगरी के अंदर हम उसको शामिल नहीं करते। अच्छा, तो क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी इज अ फिनोमिना वेयर बाय समथिंग न्यू और वैल्यूएबल इज अ फॉर्म। समथिंग न्यू, क्रिएटिविटी भी नया बनाने को कहते हैं और कुछ न्यू फॉर्म कर रहे हैं और वो वैल्यूएबल होना चाहिए। जैसे कि हमने सोलर प्लांट लगाया जिससे हमने आपने सोलर प्लांट देख रखे होंगे, लेकिन जब किसी ने फर्स्ट टाइम अगर सोलर प्लांट की कल्पना करी होगी तो उसने पहली बार सौर ऊर्जा का उपयोग करना सीखा होगा और उसके अंदर देखा होगा कि सूर्य के थ्रू हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विदाउट एनवायरमेंट को हार्म किए हम एनर्जी बना सकते हैं। तो दैट इज क्रिएटिविटी, आल्सो द इनोवेशन। तो सर मेन डिफरेंस क्या है? आइए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में मेन डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा अपन पहले इसको समझ लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, इनोवेशन जो है वो न्यू को क्रिएट करना है। क्या है? न्यू, मीनिंगफुल। और क्रिएटिविटी में आपको कुछ मीनिंगफुल नहीं करना होगा, कोई मीनिंगफुल हो उसका जरूरी नहीं है, मीनिंग निकले उसका जरूरी नहीं। क्रिएटिविटी इज नॉट बिलोंगिंग टू द इनकम्प्लीटमेंट, मतलब कि आपको क्रिएटिविटी केवल अगर दिमाग में ही सोचना, जैसे कि मेरे को अमेरिका जाना है और मेरे को वहां जाके
क्या करना है मेरे को वहां जाके, आप सोच सकते हैं कि चलिए वहां पर सेल्फी खिंचवानी है, आजकल उसका भी क्रेज है, तो वहां पर सेल्फी खिंचवानी है, तो ये मेरे माइंड में मैंने खुद को वहां एज्यूम कर लिया एंड आई एम क्रिएटिव कि मैं इस पोस्ट के अंदर वहां पर जाके सेल्फी खिंचवा रहा हूं, तो वो क्रिएटिविटी की हमारी श्रेणी के अंदर आ गया। लेकिन इनोवेशन में हम उसको फॉर्मुलेट भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं और कुछ मीनिंगफुल डाटा निकालते हैं। तो सर क्या क्रिएटिव मीनिंगफुल नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी इज ओनली बिलोंग्स टू द आवर माइंड, के माइंडसेट में जब वो है, जब उसको हमने एक्चुअल में बनाया नहीं है तो वो क्रिएटिविटी में आ गया। जब हम उसको बना देते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो इनोवेशन में आ गया। उसमें भी वो मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो मैंने कहा था कि ये पूरी यूनिट इसी के आगे पीछे घूमने वाली है, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे बुकिश डेफिनेशन दी हुई है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन व्हाइल क्लोजली लिंक्ड एज अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन प्रोसेस आर नॉट द सेम। ये दोनों क्रिएशन की प्रोसेस में बहुत क्लोजली होते हैं लेकिन एक ही नहीं है। क्रिएटिविटी इजंट मीन मेजरेबल, इज नॉट सब्जेक्टिव, व्हाइल इनोवेशन इज मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ मीनिंग ऑफ न्यू, इट मेजरेबल। क्रिएटिविटी को हम क्या मेजर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इतना कोई बंदा क्रिएटिव है या इतना उसने ज्यादा सोचा है। मींस कि ये एक उसके माइंड का फिनोमिना होता है, दिमाग में वो सोच रहा है, तो वो कितना उसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनोवेशन को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इनोवेशन में न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। While creativity relate to the imagination, but innovation relate to the implementation. अब बिल्कुल जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रखा हूँ वो बुक में भी है कि क्रिएटिविटी एक इमेजिनेशन है, मतलब कि मानसिक अवस्थाओं के अंदर है, और इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन है कि मैंने किसी ने सोचा कि एक कंप्यूटर होगा, उसके यहाँ कीबोर्ड लगा होगा और वो कीबोर्ड में डिफरेंट कीज होंगी और वहाँ पर एक माउस भी होगा जिसके थ्रू हम ये पूरा का पूरा प्रोग्राम देख पाएंगे। तो ये कंप्यूटर है, अब ये कंप्यूटर में सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे डिवाइस किसी ने पहले सोचे होंगे, तो ये क्रिएटिविटी आ गया। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जब न्यू आइडिया फॉर्म हो गया तो वो इम्प्लीमेंटेशन की श्रेणी में आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एकदम अपन को इसको रख लेना है कि ये बार बार एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो क्या पहला इसका मीनिंग, क्रिएटिव इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडिया, ये न्यू आइडिया को क्रिएटिंग करने का एक एक्ट है, इमेजिनेशन होता है, और इनोवेशन क्या है हमारा, इंप्लीमेंटेशन, समथिंग न्यू इनटू द मार्केट प्रोसेस। ये केवल इमेजिनेटिव है और ये प्रोडक्टिव है। क्रिएटिविटी केवल माइंड में होती है और इनोवेशन प्रोडक्टिव होता है, क्वांटिफाइबल यानी इसको गणना करा जा सकता है। क्रिएटिविटी को मैंने बोला माइंड की चीज को अपन गणना नहीं कर सकते, जबकि इनोवेशन को कर सकते हैं। रिलेटेड टू समथिंग न्यू, इंट्रोड्यूस समथिंग, इनोवेशन में हम बना के बता रहे हैं वो चीज। कोई स्टार्टअप है तो वो अगर कोई आइडिया लाता है तो इट मस्ट बी सो क्रिएटिव, लेकिन अगर वो बना के बता रहा है कि सर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मेरा, तो वो क्या कहलाएगा, इनोवेशन कहलाएगा, ठीक है। मनी कंजप्शन, सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला, यार अहमदाबाद जाने की सोच रहा हूं, कितने पैसे लगेंगे? तो उसने कहा 1 भी रुपया नहीं। बोले क्यों? क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में जाएगा तो उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी। मनी कंजप्शन होता है, जब कोई सोच ही रहा है तो उसमें रिस्क भी नहीं होगी, क्योंकि सोचा और इंप्लीमेंट करना है तो करा, वरना नहीं करा। जब अगर इंप्लीमेंट हो गया उसमें कॉस्ट लगी है तो रिस्क भी होती है। तो कितने अपन ने डिफरेंस देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 डिफरेंस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में देख लिए। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड इट्स रोल इन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन बी पाथवे ऑफ योर बिजनेस टू रीच न्यू हाइट्स, प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी, मार्केट सक्सेस and internal harmony. The creativity process can lead to the novel ideas and concept. अब creativity और innovation दोनों ही जरूरी होते हैं market में बने रहने के लिए, एक sustainable development के लिए। Creativity में हम new product के बारे में पहले सोचते हैं, क्या कि ऐसा product होना चाहिए, और innovation में क्या करते हैं, उसको implement करते हैं।
ठीक है। क्रिएटिविटी में तो मैंने केवल सोचा, और इनोवेशन में क्या करा, उसी प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करा। तो ये जो बातें हैं, ये किसी भी नए आइडिया को जनरेट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव पे अपर एज रखने के लिए इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बहुत जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी मार्केट लॉन्ग टर्म तक आप गेन नहीं कर सके। इसमें आपको एग्जाम्पल लेना है एप्पल कंपनी का। एप्पल हमेशा न्यू प्रोडक्ट लाता है, न्यू आइडिया लेता है, तो इससे क्या होता है। गूगल कंपनी का लेना है, इससे क्या होता है, इसमें वो फ्यूचर के, आज अपन जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, गूगल के जो कर्मचारी हैं, गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं, वो आने वाले 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्यों? ताकि वो मार्केट के अंदर वो ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट ला सके, ठीक है। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए, बिजनेस को लीड करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। अब क्रिएटिव थिंकिंग, अब ये कौन सी ऐसी बात है कि हर कोई तो क्रिएटिव होता नहीं है, है ना, हर कोई तो इनोवेटिव होता नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग बनाती है आउटसाइड द बॉक्स। ऑफन द क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स द लेटरल थिंकिंग विच इज एबिलिटी टू परसीव पैटर्न्स आर नॉट ऑब्वियस। क्रिएटिव थिंकिंग माइट मीन डिवाइसिंग अ न्यू वे कैरी आउट द टास्क, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मीट द चैलेंजेस। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि वो हमेशा कोई टफ प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आलसी व्यक्तियों को खोजते हैं। आलसी व्यक्तियों को क्यों खोजते हैं, ताकि वो कितनी भी टफ प्रॉब्लम है उसको शॉर्टकट मेथड से वो सॉल्व कैसे हो सकता है, वो एक आलसी व्यक्ति ही बता सकता है। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स देखते हैं, वो उस परसेप्शन से नहीं देख रहे जिस परसेप्शन से आप और मैं देखते हैं। वो सोचते हैं हर उनको आइडिया के अंदर, हर प्रॉब्लम के अंदर आइडिया जनरेट होता है। आप सभी को पता है बस की भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट बुकिंग की प्रॉब्लम आती थी। हम सब ने नहीं सोचा, लेकिन रेड बस वालों ने सोचा, उन्होंने एप्लीकेशन बनाई और मार्केट में लॉन्च कर दिया। हर किसी को पहले QR कोड, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट जोड़ने का किसी को पता नहीं था। पेटीएम ने सोचा, इंप्लीमेंट कर दिया। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रात को ऑटो की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई घर में मरीज है तो कैसे जाएं, कार की जरूरत है, कार अभी हमारे पास है नहीं, तो फिर कैसे किया जाएगा। ओला और उबेर ने सोचा कि ऐसे कितने सारे कंज्यूमर हैं जिनको हम इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन के माध्यम से घर पे ओला और उबेर आती है और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है विद द मिनिमम फेयर चार्जेस। तो ये क्या है, डायनामिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि वो कौन से लोग थे, उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखी, उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी देखी, ठीक है। बहुत से लोग थे जिनको पता था कि होटल में बुकिंग करना एक बहुत ही टफ टास्क होता है। ओयो के फाउंडर ने सोचा कि होटल के लिए डिफरेंट ऐप बना दिए जाएं, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक रीजनेबल हाइजीन एनवायरमेंट दिया जाए, क्लीननेस रखी जाए रूम के अंदर, और उसका एक मिनिमम चार्ज दिया जाए। आज ओयो इज द वन ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस है। इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट को देखिए, किसने सोचा था कि दूरस्थ बैठे हुए लोगों को भी कुछ चीज मंगवानी होती तो उनके मार्केट में नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाते हैं, वो या तो शॉपिंग पे जाते हैं या वो नहीं खरीद पाते। तो कुछ ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन डिलीवरी किया जाए, और COD का फंक्शन यूज किया। उन्होंने कौन सा फंक्शन यूज किया, COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो यही क्या कहलाता है, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। अब हमारा डिजाइन थिंकिंग यहाँ से शुरू हुआ है। इससे पहले तो क्रिएटिव थिंकिंग ही चल रहा था, यूनिट फर्स्ट में डिजाइन थिंकिंग का नाम हम यहाँ पे आया। अब डिजाइन थिंकिंग का मतलब है कि पहले तो इसका मीनिंग देखो कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, किस वर्सेटाइल में होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, वो किस यूज का आएगा, ये सारी की सारी उसकी डिजाइन थिंकिंग में आता है। पहले एम्फेसाइज के अंदर मीन्स कि हम एक आइडिया माइंड के अंदर जनरेट कर रहे हैं, मीन्स कि क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो आइडिया माइंड में जनरेट करने के बाद हम एक पेन पेपर पे लेके उसकी एक ड्राइंग बना देते हैं कि यह हमारी जो कार है या हमारी जो बाइक है वो इस तरीके की होगी, या जो कंप्यूटर हम बनाने वाले हैं वो उसमें एक मॉनिटर होगा, उसमें ऐसे कीबोर्ड उससे अटैच होगा। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। फिर आइडिएट का मतलब अब वो वाला जो आइडिया है वो कितना वैलिड है, उसको फिक्स्ड कर देना। एक तो हमने उसको पहले डिफाइन करा, डिफाइन करने के बाद आइडिएट का मतलब कि हम उसको फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं
कि ये बनाया भी जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, क्या ऐसा मटेरियल हमारे पास है, क्या ऐसे टाइप्स हमारे पास है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्या ये हमारे कॉस्ट में है, क्या मार्केट के अंदर इसकी डिमांड रहने वाली है, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें चेक करते हैं। जब ये पास हो जाता है यहाँ पर, उसके बाद हम एक प्रोटोटाइप यानी कि एक सैंपल बना देते हैं। ये सैंपल बनाने के बाद इस सैंपल को टेस्ट किया जाता है कि ये कंप्यूटर वर्किंग में है या मार्केट के अंदर बेच के कुछ फ्री सैंपल बांटे जाते हैं जिससे हमको कस्टमर का फीडबैक मांग सके। तो काफी इजी है डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस, यानी कि किसी भी डिजाइन को बनाना कि वो प्रोडक्ट किस साइज का होगा, किस कलर का होगा, किस वेट का होगा, क्या उसका प्रोटोटाइप रहने वाला है, उसके लिए प्रोसेस होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये भी आता है। एक तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में डिफरेंस पूछते हैं पहली यूनिट में से, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। एम्फेसाइज मतलब माइंड में आप सोचना, क्रिएशन डिफाइन यानी कि आपको उसको बुक के अंदर आपने लिख लिया है। इसके बाद आइडिएट के मतलब उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस आपने करा कि वो करा जा सकता है, कॉस्ट के अंदर है कि नहीं है। फिर उसका प्रोटोटाइप बनाया आपने, प्रोटोटाइप मतलब कि एक्चुअल में आपने वो प्रोडक्ट एक सैंपल के थ्रू पे बना दिया। फिर उसको टेस्ट करा, टेस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने उसको या तो फ्री सैंपल बांट दिए कस्टमर को दे दिए, या कुछ मेटा चीज बीटा वर्जन इसका लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, बीटा वर्जन इसका लॉन्च कर दिया गया तो वो इसका टेस्ट के अंदर आ जाता है। तो ये कितनी स्टेजेस है, 1 2 3 4 5 स्टेजेस के अंदर हमारी डिजाइन कंप्लीट होती है। अगर इसके अंदर टेस्ट में सब कुछ अच्छा मिलता है तो हम उसका फीडबैक लेके वापस से इसको एम्फेसाइज करके या डिफाइन करके चेंज कर देते हैं। पूरा प्रोसेस तो फिर से ही रिपीट होता है, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट और फीडबैक मिलते हैं तो कभी वन टाइम में भी क्लियर होता है। जैसे कि एप्पल का आईपॉड आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 1500 गाने हम हमारी जेब में लेके घूम सकते हैं। बहुत मुश्किल था, वॉकमैन का जमाना था, तब पहली बार स्टीव जॉब्स साहब ने बताया कि 1500 जी हाँ 1500। आज तो आपको मजाक लगेगा गाना.com और ये आने के बाद, लेकिन 1500 गाने किसी को जेब में लेके घूमना एक बहुत बड़ी बात उस समय मानी जाती थी। तो ये एक डिजाइन थिंकिंग का उस समय उनका प्रोसेस रहा था, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस इज ड्राइविंग इन द इनोवेशन। अब ये इनोवेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये एक अलग क्वेश्चन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के अंदर रहता है। सबसे पहला आइडिया जनरेशन, इनोवेशन होगा तो क्या होगा, आइडिया जनरेशन। फिर स्क्रीनिंग की वो, अब आइडिया तो हमारे 4 जनरेट हो गए। मान लीजिए कि मेरे को इस ए प्लेस से इस बी प्लेस पर पहुंचना है, ठीक। अब इसके रूट इतने हैं, कितने हैं, 5-6 है सर, कितने सारे रूट है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट इसमें अपने को लिखा हुआ है वो है आइडिया जनरेशन, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। कि मैंने डील कर लिया कि मैं एक ऐसा मोबाइल बनाऊंगा जो असेंबल्ड हो सके, मींस कि जिसको अगर कैमरा अच्छा चाहिए तो वो कैमरा रख सके, जिसको मेमोरी ज्यादा चाहिए वो मेमोरी रख सके, जिसको जैसे जैसे जिसको अगर गेमिंग का शौक है तो वो ज्यादा अच्छी ज्यादा रैम रख सके, मेमोरी रख सके, जिसको स्टोरेज की जरूरत है वो ज्यादा स्टोरेज रख सके, जिसको बैक कैमरा अच्छा जरूरत है वो बैक कैमरा रख सके, जिसको केवल कॉल करना है वो टच पैड रख सके, है ना। तो एक ऐसा असेंबल मोबाइल बनाए जो सबके यूज में आए, मतलब कि एक ही मोबाइल हो उसमें केवल अटैचमेंट लग जाए और वो मोबाइल चेंज हो जाए। हमको डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल, किसी को कैमरा अच्छा चाहिए या किसी को गेमिंग के लिए चाहिए, तो अलग अलग मोबाइल की जरूरत ना हो। तो चलिए ये मेरे क्रिएटिविटी हुई। फिर मैंने इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रोटोटाइप तक अभी तक अपने प्रोसेस पूरा देखा था कि वहां प्रोटोटाइप और करके अपन ने टेस्ट के लिए डिजाइन बना लिया। उसमें अपन ने 4-5 चीजें देखी कि एक प्रोसेस के अंदर हम इस कंपनी से टाइप कर सकते हैं, दूसरे के अंदर एक कंपनी, तीसरे के अंदर अलग कंपनी, चौथे के अंदर हम यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आप ये देखिएगा, ये आपके कंप्लीट हो गया है। अब इसकी सॉरी, इसमें पहला से हमने एम्फसाइज कर लिया कि कितनी जगह से जाया जा सकता है। दूसरा हमको चेक करना है कि कौन सा रास्ता फिजिबल है। तो दूसरी स्टेज क्या है, स्क्रीनिंग की, कि कौन सी चीज बेस्ट रहेगी, ए बेस्ट रहेगा, सेकंड बेस्ट रहेगा, थर्ड बेस्ट रहेगा, फोर्थ बेस्ट रहेगा, फिफ्थ बेस्ट रहेगा। अब इसमें किस बेसिस पे चेक करेंगे, कॉस्ट के बेस पे, टेक्नोलॉजी के बेस पे, लॉ के बेस पे, लीगल स्ट्रक्चर भी चेक किया जाता है। भैया हमारे पास पेटेंट तो जरूरत नहीं पड़ेगी वो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, किस लिए, वो सारी की सारी चीजें चेक करी जाती है। उसके बाद तीसरी स्टेज के अंदर हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, अरे जाके देखेंगे, यहां से मैं यहां पे जाके देखता हूं,
थर्ड के अंदर हम ये प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, तीसरे पे भी जाके देख रहा हूँ, चौथे पे भी जाके देख रहा हूँ, दूसरे पे भी जाके देख रहा हूँ, पहला मैंने काट दिया और पांचवा भी मैंने काट दिया। मतलब कि जब मैंने फिजिबिलिटी एनालिसिस करा था तब मेरे पास तीन ही ऑप्शन रह गए, ए बी और सी। ए बी सी, अब अच्छा एक्स वाई ए बी इधर हो गया तो कॉमन मान लीजिएगा, दूसरा तीसरा और चौथा ही ऑप्शन मेरे पास रहा है बी प्लस पे जाने के लिए। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद में कॉमर्शियलाइजेशन मींस के अब ये जो मैंने मेरा प्रोडक्ट बना दिया है ए पी से बी प्लस जाने के लिए, जो रास्ता बना दिया है, इसकी क्या मैं कॉमर्शियलाइजेशन कर सकता हूँ, मतलब पैसे कहाँ से कमाऊंगा, इसको सेल कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा, और फिर स्प्रेडिंग वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, यानी कि नेटवर्क उसका डेवलप करना और इम्प्लीमेंटेशन, नेटवर्क बढ़ाना और उसका प्रोडक्ट नॉलेज देना, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब फिर से इसको छोटी सी भाषा में अंदर सिंपल समझते हैं। सबसे पहले आपने फोन बनाया, ठीक है, फोन बनाने का आपके अंदर पहले तो आइडिया आया, फिर आइडिया आने के बाद आपने उसके इनोवेशन के लिए फिजिबिलिटी चेक करी, इनोवेट किया कि ये ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको चेक किया, स्क्रीनिंग, जिसको क्या बोला आपने, स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद आप उसका बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन चूज करने के बाद आप उसमें मनी सेंटर्ड होते हैं, आप चेक करते हैं कि इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। चाहे थर्ड में बेस्ट ऑप्शन में भी इंक्लूड है, लेकिन उसको कमर्शियलाइजेशन करा आपने। उसके बाद उसको आप स्प्रेड करोगे, क्या करोगे, स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने से क्या होता है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद रीच बढ़ जाती है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर से समझा देता हूं, कोई प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद, वो प्रोडक्ट क्रिएट होने के बाद आपने उसको इनोवेट किया, क्रिएटेशन और इनोवेशन डिफरेंस बता चुका हूं। फिर उसमें से कौन सा आप इनोवेशन हो चुका है, अब उसमें भी बहुत सारे प्रोटोटाइप्स हुए हैं, मतलब सारे अल्टरनेटिव्स आपने चेक करे, उनमें से कौन सा बेस्ट है उसको चेक किया, बेस्ट को चेक करने के बाद, बेस्ट ऑप्ट करने के बाद उसको चेक कर लिया आपने। फिर उसमें आपको कॉमर्शियलाइजेशन, अच्छा कॉमर्शियलाइजेशन कहीं कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि उसमें बेस्ट में ही आपने चेक कर लिया, फिजिबिलिटी टेस्ट में ही आपने उसकी कैपेसिटी कॉस्ट चेक कर ली, और उसके बाद आपने उसको स्प्रेड कर दिया, यानी कि वो मार्केट के अंदर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और उसका नॉलेज बढ़ाया, उसको इंप्लीमेंट करा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। ये न्यू के अंदर ही होता है, जो सस्टेन हो रहे हैं या जो डिक्लाइन हो रहे हैं या जो ग्रोथ लेवल पे हैं उन पे ये सारे प्रोसेस नहीं होती। ग्रोथ पे तो आप केवल इंप्लीमेंटेशन और स्प्रेडिंग ही प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ पर हल्की सी देख लो ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। दो मिनट का और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ये इस तरीके का होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रोथ का, ठीक है, यहाँ भी आप ग्रोथ ले सकते हो, ये पहला पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट ग्रोथ, ये सैचुरेशन का पॉइंट होता है और ये डिक्लाइन का पॉइंट होता है और यहां पर प्रोडक्ट एंड हो जाता है। वापिस से बोल रहा हूं, ये ग्रोथ, हाँ पहले स्टार्ट, ग्रोथ, सैचुरेशन, डिक्लाइन और एंड। तो जब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, मतलब कि प्रोडक्ट कोई भी स्टार्ट होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर सैचुरेशन यानी मैक्सिमम मार्केट शेयर विद मैक्सिमम रेवेन्यू, फिर डिक्लाइन होगा, फिर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी में, तो जो हम इनोवेशन वाली बात कर रहे हैं वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट की। यहाँ पर हम प्रोडक्ट बना भी रहे हैं, उसके सारे चेक भी कर रहे हैं, उसको कॉमर्शलाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद वो मार्केट में स्प्रेड भी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो ये इसके लिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है तो केवल स्प्रेड और इम्प्लीमेंटेशन, अगर सैचुरेशन पे है तो करने की कोई जरूरत नहीं, केवल फीडबैक लेते रहो और कैसे मार्केट में इसमें बना जाए ये, और डिक्लाइन है तो एंड होने वाला है प्रोडक्ट आपका, अब नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो ये वाला प्रोडक्ट के ऊपर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इसी की तरह आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, थोड़ी सी आवाज मेरी खराब चल रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।